दोस्तों यस बैंक के क्वार्टर टू के रिजल्ट जो है वो आने वाले हैं इसी मंथ में, लास्ट वीक तक डेफिनेटली यस बैंक के नतीजे क्वार्टर टू के आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले यस बैंक ने जो है एनएससी और बीएससी में अपने फाइनेंशियल्स को सबमिट किया है और वहां पर क्या संकेत मिल रहे हैं वो हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टीसीएस का रिजल्ट कल के दिन आया था और हमने उसके पहले ही ये आकलन निकाल लिया था कि काफी ही अच्छे जो है उनके रिजल्ट आ सकते हैं। कैसे पता लगाया जाता है ये, इस चीज को हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को द फेवरेट स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं आप लोगों के लिए काफी अच्छी अच्छी चीजें डालता रहता हूँ जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, एक बार जाकर चेकआउट कीजिए, आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा। इसी के साथ चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों बीएससी की साइट पे जाने के बाद में यहाँ पर आप टाइप कीजिए यस बैंक और यस बैंक पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यस बैंक का स्टॉक जो है वो आ जाएगा। आपको जाना है अनाउंसमेंट सेक्शन में और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ लिस्टिंग रेगुलाइजेशन, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में इस पीडीएफ के साइन पर क्लिक कीजिए आप, तो आपके सामने जो है एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। दोस्तों अभी यहाँ पर जो है बहुत सी चीजें दी हुई है जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों यस बैंक ने जो है एनएससी और बीएससी को जो है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट किया है। क्या है इस पूरी रिपोर्ट में, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए दोस्तों लास्ट जो क्वार्टर था 30 जून से लेके अभी का जो क्वार्टर है 30 सितंबर तक, इसके बीच का ये डेटा है और इस डेटा में क्या दिख रहा है हमको, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि सबसे पहला जो एक कॉलम यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लोन्स एंड एडवांस। यहाँ पर क्या चीज दी हुई है, 30 जून का जो क्वार्टर था उस टाइम पर 1,64,510 करोड़ रुपए जो है लोन दिया गया था। ये सारी जो वैल्यूज है वो करोड़ में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 1,66,854 करोड़ जो है, 1,64,510 करोड़ जो है वो जून के क्वार्टर में दिए गए थे। लेकिन इस क्वार्टर की अगर मैं बात करूं मतलब 30 सितंबर तक की, तो यहां पर इस वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं कि 1,66,854 करोड़ जो है लोन में दिए गए हैं, तकरीबन मान के चलिए क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है वो 1.4% का यहां पर आपको ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली अगर मैं हाफ ईयरली की बात करूं, यहां पर हाफ ईयरली भी डेटा दिया गया है, वहां से अगर कंपेयर करेंगे तो 2.7% की हमको गिरावट दिख रही है। बट मार्च के क्वार्टर में यस बैंक में क्या चल रहा था ये हम सभी को पता है, हमें ग्रोथ देखनी होगी कि किस तरीके से ग्रोथ हो रही है। जून के क्वार्टर में जो वैल्यूज अवेलेबल थी अभी वहां से इस क्वार्टर में मतलब सेप्टेम्बर तक यहां पर हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसके बाद चलिए आप नीचे आइए और यहां पर आप देखिए दूसरी वैल्यू को, यहां पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, राइट। तो ये जितना कम होता है दोस्तों उतना ही अच्छा होता है बैंक के लिए, बिकॉज ये जो डिपॉजिट होते हैं इससे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। और अगर हम बात करें जून के क्वार्टर की तो वहां पर ये 9,034 करोड़ था और उस चीज को काफी कम किया है, तकरीबन 19% से भी ज्यादा कम किया है, 7,259 करोड़ अभी इसे लेकर आ चुकी है यस बैंक। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव खबर है, क्योंकि ये जितना कम होगा उतना ही बैंक के लिए अच्छा है। तो दो चीजों में अगर हम देखें तो दोनों में हमें ग्रोथ ही दिखाई दी है। तो जो थर्ड जो चीज है वो है कासा, मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं अच्छी खासी हमें ग्रोथ दिख रही है। जून के क्वार्टर में 30,326 करोड़ जो है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जो ऐसा था, लेकिन अगर आप सितंबर की क्वार्टर की बात करेंगे, अभी की क्वार्टर की बात करेंगे तो 11% का हमें ग्रोथ दिखाई दिया है, तकरीबन अभी 33,713 करोड़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये क्यों अच्छा होता है, ये देखिए करंट अकाउंट में जो भी पैसा होता है उसका कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है, एंड सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा होता है उसका बहुत ही कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये आप सभी जानते हैं। इसीलिए सभी बैंकों के लिए जो भी CASA मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो भी पैसा होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सारे बैंक्स जो हैं
इसी पैसे से आप सभी लोगों को लोन देते हैं और इन पैसे को वो यूज करते हैं। इस तरीके से बैंक दोस्तों काम करता है, तो यहाँ पर काफी अच्छी हमें ग्रोथ दिखाई दी है। इवन दो अगर हम हाफ ईयरली से भी कंपेयर करें, मतलब मार्च के टाइम से, तो यहाँ पर आप देखिए 20% की हमें यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें मार्च से लेकर अभी तक की, काफी ही अच्छी यहाँ पर हमें एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर हम बात करें कासा टोटल डिपॉजिट्स की, जस्ट उसके नीचे है, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमको 2% की गिरावट दिख रही है। 28% था जून के क्वार्टर में, लेकिन 26.2% है अभी के क्वार्टर में। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, क्योंकि हमने अभी जस्ट इसके ऊपर देखा कासा मतलब करंट अकाउंट में, अकाउंट में, तो यहाँ पर तो 11% की हमें ग्रोथ दिखाई दी, लेकिन जो डिपॉजिट्स है उसमें हमको जो है 2% की ऑलमोस्ट गिरावट दिख रही है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है दोस्तों कि लोगों ने पैसा डिपॉजिट तो किया है, लेकिन FDs वगैरह में जो है ज्यादा पैसा डाला हुआ है, इसीलिए हमें यहाँ पर टोटल डिपॉजिट में जो है थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। दोस्तों कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो यहाँ पर दिख रहा है आपको जस्ट उसके नीचे, वहां पर जो है जून के क्वार्टर में 140% के तकरीबन आपको वैल्यू नजर आ रही है, लेकिन अभी के क्वार्टर में आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें कमी आई है, 122% के तकरीबन आ गया है। और एक और चीज भी नोटिस कीजिए आप कि मार्च के क्वार्टर में ये 162% आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जो बैंक लोन देती है वो बैंक अपने पास से तो देती है, लेकिन सपोज अब लोन की डिमांड ज्यादा आ गई है तो वो फिर बाहर से पैसे बोरो करते हैं, बाहर से पैसे उठाते हैं, देन उसको जो है लोन देते हैं। तो ये हमेशा 100% जो होता है उसके तकरीबन या उससे कम होना चाहिए, तब हम अच्छा मानते हैं। मार्च में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जितना पैसा था बैंक के पास में उससे ज्यादा उन्होंने लोन दिया होता, बल्कि बहुत ज्यादा लोन दिया होता, तकरीबन 162% था। जून में ये कम हुआ, तकरीबन 140 के करीब आया, और इस क्वार्टर में जो है वो 122% आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। मतलब ये जो है काफी ही अच्छी बात है कि ये क्वार्टर दर क्वार्टर जो है हमें कम होता नजर आ रहा है, और अगले क्वार्टर तक अगर ये 100% तक आ गया, मतलब आप मान के चलिए बहुत ही अच्छी बात होगी यस बैंक के लिए। दोस्तों एक चीज और भी यहाँ पर है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यूज लिखी हुई है यहाँ पर 99%, ये क्या है दोस्तों? मार्च के महीने में जो था ये 40% था। एक्चुअली में इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी, बैंक के पास में कितनी लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो मार्च क्वार्टर में लिक्विडिटी काफी कम थी, मात्र 40% ही लिक्विडिटी थी, मतलब उनके पास में पैसा काफी कम था। अभी अगर हम बात करें जून की, तो तब ये हल्का सा बढ़ा, मतलब 42% इसकी लिक्विडिटी हुई थी। बट अभी अगर हम सितंबर की बात करें तो यहाँ पर पैसे की लिक्विडिटी की कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है, 99.6% की यहाँ पर हमें लिक्विडिटी नजर आ रही है दोस्तों। और हम सभी जानते हैं कि समय से पहले यस बैंक ने RBI का 50,000 करोड़ भी वापस कर दिया था, वही हमको समझ आ गया था कि यहाँ पर लिक्विडिटी की कोई भी कमी नहीं है। ऑल्दो अभी आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं, साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो है पैसे से रिलेटेड लिक्विडिटी की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट को पढ़कर आपको क्या समझ में आया कि हर एक पॉइंट्स पर जो है यस बैंक ग्रो कर रहा है, क्वार्टर दर क्वार्टर जो है उसमें ग्रोथ नजर आ रही है। डेफिनेटली जो इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट आने वाले हैं बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि आप यहां से अंदाजा लगा सकते। अभी इसका प्राइस जो है तकरीबन 13 रुपए के आसपास चल रहा है, और अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत अभी अमाउंट यहां पर उठा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। डेफिनेटली आपको ये बाइंग और सेलिंग की सलाह तो नहीं है, आप खुद की एक रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए क्या करना है इस बैंक के ऊपर, क्या करना है इस शेयर के ऊपर। बट मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ क्वांटिटी अभी उठाई जा सकती है, क्वार्टर टू का जब रिजल्ट आएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा आने वाला है, वहां पर हमें कुछ ग्रोथ तो डेफिनेटली देखने के लिए जरूर मिलेगी। दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। फ्री में आप डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और बेस्ट ब्रोकर के साथ में आप कैसे डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। अगर आपके पास में ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप बने रह सकते हैं मेरे साथ डीमैट अकाउंट की ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक मैंने दिए हुए हैं, जो नीचे वाला लिंक है ये वाला, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो एकदम फ्रीली ओपन होगा, कोई भी पैसे आपको देने नहीं पड़ेंगे। एंजल ब्रोकर को आप सभी जानते होंगे, एक्टिव यूजर के मामले में ये इंडिया में फोर्थ नंबर पर आती है। और पहले जो था दोस्तों, इसका पूरा जो काम था वो ऑफलाइन बेस पे था, मतलब ऑल ओवर द इंडिया में इनके ऑफिस खुले हुए थे। और आज से अगर मैं 4 से 5 साल पहले की बात करूँ तो ये नंबर 1 पर ये कंपनी थी। बट अभी ऑनलाइन जमाना आ गया है, ऑनलाइन ट्रेडिंग का जमाना आ गया है, सभी ऑनलाइन काम करते हैं, तो इन्होंने भी अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया है पूरा। अभी ये ऑनलाइन में शिफ्ट हो चुके हैं, अब आपको बिल्कुल भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा और आप घर बैठे बैठे यहाँ पर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। प्लस इनकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इनके पास बहुत सी रिसर्च रहती है, इनके पास बहुत सारे एनालिसिस रहते हैं जो आप लोगों के लिए रिसर्च करके देते हैं। तो एक ऐसी ब्रोकर के साथ में अकाउंट खुलवाना आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, वो भी अगर आपका अकाउंट फ्री में ओपन हो रहा है तो। तो इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए, कुछ डिटेल आपको फिल करने के लिए बोलेगा, एक दिन के अंदर आपका सारा अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड अगले दिन से ही आप ट्रेडिंग की शुरुआत डेफिनेटली कर पाएंगे। अगर आपको जीरो में अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो वहां पर आपको 200 रुपए पे करने पड़ेंगे, आपको इस लिंक में क्लिक करना है एंड बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 इंडिया का ये ब्रोकर है, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप इक्विटी में अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो मात्र 200 रुपए में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और आपका मोबाइल जो है आधार कार्ड के साथ में लिंक होना चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों आप लोगों को। और आपको अगर FNO में ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी आपको ट्रेडिंग करनी है, देन आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। दोस्तों अभी तक अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अकाउंट ओपनिंग में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूंगा, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अभी के अभी लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट को ओपन करवा लीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को द फेवरेट स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।